तो सीकर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम अशोक गहलोत का आज सीकर दौरा रहने वाला है। सांगलिया धूनी दर्शन कार्यक्रम में सीएम हिस्सा लेने वाले हैं। सीएम गहलोत के करीब एक घंटे रुकने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम अशोक गहलोत का आज देखिए सीकर दौरा रहने वाला है और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि देखिए लगातार सीएम अशोक गहलोत अब ताबड़तोड़ दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों से जो तस्वीरें सामने आई उसमें भी आपने देखा कि लगातार सीएम अशोक गहलोत दौरा कर रहे हैं और यहां पर जनसंवाद भी करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम गहलोत के करीब एक घंटे रुकने का कार्यक्रम है। आज सीकर दौरे पर सीएम अशोक गहलोत रहने वाले हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हुड्डा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, सीएम अशोक गहलोत लगातार ताबड़तोड़ दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, आज सीकर का दौरा करेंगे, क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है? बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिन से जो लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उनके दौरे खासतौर पर धार्मिक स्थलों के बन रहे हैं और इसी कड़ी में सीकर का जो काफी प्रसिद्ध जो धार्मिक स्थल है सांगलिया धूनी, वहां पर आज मुख्यमंत्री के आने का कार्यक्रम है। पिछले महीने भी मुख्यमंत्री का यहाँ पर आने का कार्यक्रम बना था लेकिन उस दिन अचानक से जो दौरा है वो स्थगित करना पड़ा था, इस वजह से आज फिर से मुख्यमंत्री का दौरा बना है। करीब 3 बजे यहाँ पर मुख्यमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम है और जो यहाँ के जो पीठाधीश्वर जो ओमदास महाराज हैं उनसे मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे और एक घंटे रुकने के बाद यहाँ से वापस जयपुर जाने का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल संदीप, जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक घंटे सीएम अशोक गहलोत रुकने वाले हैं और अभी पिछले दिनों से जो तस्वीरें सामने उसमें देखने को मिला कि सीएम अशोक गहलोत जनसंवाद भी करते हुए नजर आए, आमजनों से मुलाकात करते हुए भी नजर आए, क्या ये भी कार्यक्रम कुछ ऐसा होने वाला है? देखिए उस तरह से जो कार्यक्रम है उसमें कहीं ये जनसंवाद का कार्यक्रम नहीं रखा गया लेकिन जो जिले के लोग हैं, जो जिले के कार्यकर्ता हैं, खासतौर पर धोध और दांतरामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं उनसे जरूर जो मुख्यमंत्री है वहां पर मुलाकात करेंगे और यहां पर दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तमाम जो विरोधी पार्टी है वो भी तो उसी वक्त जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम बना था तो कहीं ना कहीं बिल्कुल संदीप, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें।